देखिये इस वीडियो रिकॉर्डिंग में मैं वेटनेरियंस के लिए और लाइफ साइंस वालों के लिए ये बता रहा हूँ कि ये B6 विटामिन का होता है पायरेडॉक्सिन B6 B12 तो काफी यूज होता है, B7 भी यूज होता है वेटनरी में, B1 B2 B3 ये सब बना लेता है कैटल, तो इसमें B6 जो है उसकी इम्पोर्टेंस वहीं आती है जहाँ कुछ नर्वस डिसफंक्शन हो जाते हैं, तो उसमें B6 को देते हैं। वैसे ह्यूमन में ये मूड को ठीक करने डिप्रेशन के लिए, और ये करीब 100 एंजाइम्स को रिएक्शन में काम करता है, इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है B6। और ये लिपिड मेटाबॉलिज्म में भी काम करता है, हीमोग्लोबिन बनाने में भी काम करता है, जीन एक्सप्रेशन में भी काम करता है। इस प्रकार से ये अमीनो एसिड्स भी सारे बनाता है, इम्पोर्टेंट अमीनो एसिड। तो ये बहुत ही मतलब विशेष स्थान रखता है B6। मैंने आपको ये बताया सूक्त में कि ये करीब 100 एंजाइम्स में काम करता है, और ये ब्रेन और नर्वस सिस्टम, और ये हिस्टामिन बनाने में फ़ायदा करता है। हिस्टामिन जो है बहुत इम्पोर्टेंट अमीनो एसिड्स है, और ये हीमोग्लोबिन वेटनरी साइंस में ये यूज़ होता है, मतलब जहाँ नर्वस प्रॉब्लम देखते हैं तो वो देते हैं इसको B6 को। तो आपने सुना इसको, मैं प्रोफेसर अथैया हूँ, मैं वेटनेरियंस के लिए और लाइफ साइंस के स्टूडेंट के लिए इन टॉक्स को शेयर करता हूँ आपके संग में। मैं BBSC MBSC PhD हूँ, तथा मैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मिनरोलॉजी से भी पोस्ट डॉक्टरेट हूँ, कैम्ब्रिज से भी पोस्ट डॉक्टरेट हूँ, और मैं 2004 में रिटायर हो गया था, परंतु मैं अब भी पढ़ाता हूँ। मेरा जो है सब्जेक्ट वो है एनिमल बायोटेक्नोलॉजी है। अब इसमें कोई भी आपको शंका समाधान हो तो मैं प्रयत्न करूँगा कि आपकी शंका का निवारण किया जा सके। मेरा टेलीफोन नंबर 8979794866 है। धन्यवाद आपसे।